नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रूबी राजभर ऑफिशियल पर। तो चलिए आज मैं क्या बना रही हूँ अपने बच्चों के लंच बॉक्स में, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ठंडियों का सीजन चालू हो गया तो बहुत अच्छे से गाजर, हरे मटर और ये नया आलू भी मिलना चालू हो गया। तो चलिए हम गाजर, आलू और मटर की सब्जी बना लेते हैं। तो देखिए गाजर को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और मैंने इस तरह से करके कर लिया है ताकि इसमें जो थोड़ा भी कुछ है गंदगी तो वो निकल जाए, क्योंकि देखिए इसके अंदर इस तरह से होता ही है। तो हम इसको अच्छे से साफ कर लिए। गाजर को मैं पतला पतला ही काट रही हूँ। तो देखिए मैं ऐसा सर्कल आकार में ही काटती हूँ और मुझे इस तरह से काटना भी बहुत पसंद आता है गाजर को। हाँ देखिए मैं बटाटा को इस तरह से काटती हूँ और आप ज़्यादा मोटा ना काटे, पतला ही काटे तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है और जल्दी पक भी जाते हैं। तो चलिए फटाफट हम काट लेते हैं। तो देखिए इसमें ज्यादा हम प्याज ना डालें, क्योंकि मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं एक ही प्याज डालती हूँ और एक ही टमाटर ली हूँ मैं। तो चलिए प्याज और टमाटर को चलिए अभी हम गैस को ऑन कर लेते हैं कि हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें मैं राई डाल देती हूँ।
अभी राई मेरा चटक गया है तो मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहिए तो घी भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी घी ज्यादा नहीं पसंद करते, इसलिए मैं घी से नहीं बना रही हूँ। अधिकतर तो सब लोग घी से ही बनाते हैं। और अभी इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जब ये जीरा ब्राउन होएगा फिर हम इसमें कांदा डालेंगे। अब मेरा जीरा भी ब्राउन हो चुका है तो अभी हम इसमें कांदा डाल देंगे। तो देखिए मैंने एक ही मिर्ची लिया है, क्योंकि बच्चों का टिफिन है इसलिए मैंने ज्यादा मिर्ची यूज नहीं किया। अभी मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। और आप इसमें कांदा और टमाटर का ज़्यादा यूज ना करें, और ये ज़्यादा उतना टेस्टी भी नहीं होता है अगर आप ज़्यादा कांदा यूज करेंगे। तो अभी मेरा कांदा और टमाटर देखिए लाल हो चुका है, अभी इसमें हम गाजर डालेंगे। वैसे आप सारी सब्जियों के एक साथ ही डालें, और फिर इसमें हम आलू डालते हैं। आलू और गाजर डाल के आप अच्छे से मिला लें। इसके 5-10 मिनट बाद ही मटर डालें। तो देखिए मेरे गाजर और आलू थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं, फिर अभी इसमें हम मटर डाल देंगे। मटर डालने के बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर, और नमक डाल दें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें। और अभी इसको मैं स्लो करके गैस रख दे रही हूँ, और जैसे ये धीरे धीरे पकेगा तो और अच्छा ही होगा। अभी मैंने गैस को स्लो किया,
तो देखिए अभी सब्जी बन के तैयारी होने वाली है। और आधा गाजर और आलू तो पक ही गया है, तो चलिए हम इसमें अभी गरम मसाला डाल देते हैं। और ये सब्जी में अधिकतर ज़्यादा मसाले हम नहीं डालते हैं, मसाले एक से दो चम्मच ही डालें। और ये मेरा पूरा मिक्स मसाला है, गरम मसाला, तो मैं इसको डालती हूँ। मसाले डाल के 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूज लें। और आप इसको जितना ही अच्छे से भूजेंगे ना, उतना ही इसका स्वाद बढ़ता है। आप पानी ना डालें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं पका है तो थोड़ा सा पानी डालें। तो देखिए अभी मैं देखती हूँ, तो अभी मेरा गाजर पका नहीं है अच्छे से, तो अभी मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी। जो मैंने मटर इसमें यूज किया है वो मीठा मटर है, इसलिए पहले मैंने नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं पहले इसको डालती तो ये पक के पूरा फूट जाता है। तो चलिए 5 मिनट तक इसको और ढकती हूँ मैं, फिर इसमें पानी डालती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए अभी मेरे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, और अभी इसमें मैं धनिया डालूंगी। आप इसमें ढेर सारा धनिया डालें, अभी ठंडी का मौसम है, धनिया भी तो अच्छी तरह से मिल जा रहा है, और ठंडी का धनिया तो कुछ अलग ही एकदम हरा हरा रहता है, अच्छा भी कितना लगता है। आप खाने में अच्छी तरह से यूज करें धनिया, और सर्दियों में तो सब भाजी मिलना भी अच्छी तरह से पॉसिबल ही हो जाता है, आप जाए लोकल मार्केट से भी कहीं से भी सब्जियां अच्छे से ले सकते हैं। और देखिए मैंने धनिया डाल दिया है, अभी मेरे गाजर पके नहीं है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी। बस थोड़ा ही पानी डालें नाम मात्र के लिए, ज़्यादा नहीं, और ये पक जाएंगे। अभी मेरा धनिया सब कुछ इसमें डाल के हो गया है, और इसको अभी मैं 10 से 15 मिनट तक रख दूंगी, अच्छे से पक जाएगा। और अभी मैं चपाती बना लेती हूँ, तो चलिए अभी चपाती बनाती हूँ। तो देखिए मैंने आटा लगा लिया है, और ये गेहूं का आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। और मैं बच्चों का जो टिफिन की रोटियां रहती है मैं एक ही साथ बनाती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से लट के रखती हूँ। पहले ऐसा मैं लोइयां इसकी बना लेती हूँ,
देखिए मेरी लोइयां बनके तैयार हो गई हैं और मैं थोड़ा सा बाद में देख लेती हूँ। तो देखिए अब तो बाजी भी मेरा रेडी हो गया है। गैस को बंद कर दूंगी। बनके तैयार हो गई और मैं इस तरह से रोटियों को बनाती हूँ। अगर आप इस तरह से बच्चों को टिफिन में देंगे वो जल्दी, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि ज्यादा टाइट हो गया हमको खाने को नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। मैं अपने बच्चों को देती हूँ तो वो मैं पेपर में भी फोल्ड नहीं करती, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बच्चे बचा के लेके आते भी है रोटियां, मैं देखती हूँ उस तरह से मुलायम ही पड़ी रहती। ऐसा करके आप इस तरह से तेल लगा ले, तेल लगा के फिर ऐसा फोल्ड कर लो। और मैं इस तरह से रोटियों को बना के एक साथ ही सेकती हूँ। तो देखिए मैं रोटियां बना रही हूँ और ये रोटियां चिपकती भी नहीं है कि चिपक जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं 5 से 7 रोटियां साथ में ही लट लेती हूँ और फिर मैं सेकती हूँ और दिखाती हूँ आपको, एक भी रोटी चिपकेगा नहीं। फिर मैं ऐसे तवे पे तेल लगा लेती हूँ, फिर एक एक रोटियां सेक लेती हूँ। फिर मैं रोटी को पलट देती हूँ। फिर मैं दूसरे साइड में भी ऐसा तेल लगा लेती हूँ और मैं बच्चों के टिफिन के लिए मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। और मेरे बच्चों को इसी तरह से पसंद है तो वो अच्छे से खा लेते हैं। तो देखिए मेरी रोटी बनके तैयार हो गई।
अभी इसी तरह से एक एक रोटियों को मैं सेक लूंगी, उनको चालू करूंगी। तो देखिए एक एक रोटी मैं इसी तरह से सेक ले रही हूँ और मैंने एक ही साथ लट के रख दिया है, और इससे कैसे जल्दी भी हो जाता है और बच्चों का स्कूल का कभी कभार लेट होता है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। मोस्टली तो मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ, कभी लेट भी हुआ तो चल जाता है कि बच्चे अच्छे से खा के स्कूल जाते हैं। तो देखिए मेरी रोटियाँ फूल भी रही, अच्छे से रही हैं। तो आज देखिए आप एक भी रोटी चिपक नहीं रहा, मैं एक ही रोटियां करके इस पे से ले रही हूँ। ऐसा करके आप सभी रोटियों को सेक सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। तो देखिए मेरी ये आखिरी रोटी है और ये भी बनके तैयार हो गई, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपने बच्चों का लंच। तो देखिए इस तरह से रोटियां फूटती भी है, ऐसा नहीं कि हम लेट तक लट के रख दे तो नहीं होगा या अच्छे से बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए हमारी रोटियां बनके तैयार हो गई। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं गैस को बंद करती हूँ। तो देखिए मेरे ये गाजर, आलू और मटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है, कितना अच्छा बना है। और मैं अपने बच्चों को लंच बॉक्स में अभी पैक कर रही हूँ। इसके बाद मैं दो चपाती पैक कर देती हूँ अपने बच्चों के टिफिन में। और मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी देती हूँ बच्चों को। तो कैसा लगा मेरा आज का लंच बॉक्स, मेरे बच्चों का लंच बॉक्स कैसा लगा है आपको, और आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी? तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रूबी राजभर ऑफिशियल चैनल है मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।